नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जहां पर एक ऐसा सांप इंस्पेक्टर को सांप काटा, सांप काटते ही वो इंस्पेक्टर ने उस सांप को मार दिया। मारने के बाद उस थैले में डाल के हॉस्पिटल लेकर गए और वहां पर लगातार उनको 20 एंटी वेनम दिया गया, 20 से 24 एंटी वेनम। पहले हम स्क्रीन पे दिखा रहे हो, आप पढ़िए, हम भी पढ़ते। दोस्तों, ऐसा ही को सांप ने काटा, मारकर थैले में डाला और हॉस्पिटल ले गया। राजस्थान पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर को पिछले दिनों सांप ने काटा। सिपाही ने 7 फीट लंबे काले सांप को वही लाठी से मार दिया, थैले में डालकर हॉस्पिटल लेकर गए। मानसिंह अस्पताल लाया। एसएसपी की इमरजेंसी डॉक्टर ने बताया कि उस सांप का काट लिया है, इलाज करिए। तो डॉक्टर ने सवाल किया, कौन सा सांप? एसआई ने थैले में निकाल कर दिखाया। डॉक्टर ने नर्सिंग स्टाफ को उछल पड़े, डॉक्टर और नर्सिंग से उछल पड़े, ऐसा ही सलामत। उसके बाद सुनिए, विनोद कुमार को लगभग 24 एंटी वेनम पड़ा। और सांप क्या है आप डिस्प्ले में देखिए दोस्तों, हम दिखा रहे हैं, ये है सांप। जो सांप यहाँ पेपर में दिखाया गया 7 फीट का, और ये थैले में मार के लेके गए, ये सिर्फ जो है 1.5 फीट का सांप है, 1 से 1.5 फीट का। और सांप का नाम क्या है? कॉमन वुल्फ स्नेक, जो कि पूरी तरह नॉन वेनमस बिना जहरीला सांप। सोच लीजिए, डॉक्टर ये सांप देखने के बाद भी नहीं पहचान पाए ये क्या है, और उसको 24 एंटी वेनम लगा दी। ये सच क्या झूठ मुझे पता नहीं। और एक तो पहले झूठ है, 7 फीट का सांप, 7 फीट का सांप, इंडिया में कोई जहरीला सांप 7 फीट का नहीं होता। और दूसरी बात, जो सांप ये दिखा रहे हैं, ये सांप तो पूरी तरह नॉन वेनमस, आपको ये बिहार में साकड़ा का नाम से जानता है, चित्ती का नाम से जानता है, इसको कॉमन वुल्फ के, पूरी तरह नॉन वेनमस बिना जहरीला सांप है। अब बताइए 24 एंटी वेनम कैसे पड़ा? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर सांप सर्वदंश होता है, बिना जहरीला सांप काटे एंटी वेनम पड़ने से आपको जान जा सकता है। तो बात यह है कि सबसे पहले, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि एंटी वेनम अभी जो है पहले से बेहतर काम नहीं कर रहा। पहला ये मैं वादा की भी क्या था, दावा क्या था कि जिस स्टेट का एंटी वेनम उसी स्टेट का सांप बाइट में ज़्यादा बेहतर काम करेगा। लेकिन अगर स्नेक बाइट नहीं हुआ फिर भी एंटी वेनम पड़ा, अगर आपका बॉडी इम्यूनिटी बहुत अच्छा है तो आपको उस समय तो एंटी वेनम जान से मारेगा नहीं, लेकिन ये एंटी वेनम आपको लाइफ भर के लिए परेशान करेगा। बॉडी में अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, कभी जोड़ों में दर्द, कभी नास खिंचाई, सर में दर्द, सीने में जलन, ऐसा अक्सर होते रहेगा या आपको अक्सर परेशानी होगा। ये जस्ट जो है साइलेंट किलर जैसा, मतलब स्वीट पॉइजन जैसा, धीरे धीरे मीठा, ये जहर धीरे धीरे फैलते रहेगा, बॉडी में आपको अक्सर तकलीफ देगा। उस समय समझ नहीं पाएगा कि हमको सांप का एंटी वेनम के कारण ये सब हो रहा है। बॉडी में बहुत सारा, आपको जोड़ों में दर्द होगा, खिंचाव होगा, पेट में दर्द होगा, कमर में पेन होगा, सर में अक्सर दर्द रहेगा, तो ये सब एंटी वेनम का कारण। एंटी वेनम सिर्फ ओनली फॉर स्नेक बाइट के बाद ही दिया जा सकता है। और जो कि ये जो है, डॉक्टर किसके लिए बताऊँ, डॉक्टर को पहले, इलाज से पहले, प्लीज़ जितने भी डॉक्टर भारत के, आपको पैर हाथ पकड़ के बोलता हूँ भैया, पहले सांप को तो पहचान लीजिए। सांप को पहचान दिया पहले, कौन सा सांप आपको, सांप अगर सिम्टम से इलाज नहीं हो करते हैं तो आपको सांप ब्लड टेस्ट करिए। इनका ब्लड टेस्ट भी नहीं किया होगा, अगर ब्लड टेस्ट किया होगा तो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इनको जो है इंजेक्शन देने का आवश्यकता है, और बिना देखे इनको एंटी वेनम दिया गया, जो कि नॉन वेनमस पूरी तरह बिना जहरीला सांप। चलिए मैं ये मानता हूँ कि आप जो थैले में डाल के ले आए वो सांप नहीं काटा होगा, हो सकता है जहरीला सांप काटा हो, इसका मतलब ये जो डाल के लाए ये सांप वो नहीं है जो इनको काटा होगा। तो आपको ब्लड टेस्ट होना चाहिए, ब्लड टेस्ट में पता चलना चाहिए कि रियल में इनको स्नेक बाइट हुआ था कि नहीं। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन ये सांप है और ये सांप पर अगर 24 घंटे बने पड़ा, ये सरासर गलत है। मैं इसीलिए सभी डॉक्टर को कहता हूँ कि प्लीज इलाज कीजिए, प्रैक्टिकल थियोरी में ही है। आप जो है सांप को थोड़ा पहचान लीजिए, जान लीजिए ये कोबरा किसको बोलता है। ज़्यादातर तो हर स्टेट में 4-5 सांप जहरीला, तो ये 4-5 सांप को जान लीजिए। एक कोबरा है, ग्रेथ है, वाइपर है, बेंडेथ ग्रेथ है, राजस्थान में कभी कभी सॉक्स वाला वाइपर भी मिल जाता है, तो ये नॉर्मली सांप है। इतना सांप को आप पहचान लीजिए, कितना मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर भी एक हुआ धनबाद झारखंड में, एक शख्स को चेकरेट किल्ब, इंडियन चेकरेट किल्ब है, और उनको एंटी वेनम चढ़ा दिया था 6, और उसको तड़प तड़प के मौत हो गया। तो बॉडी इम्यूनिटी कम था, छोटा बच्चा था, लेकिन इन एसआई का होश, बॉडी इम्यूनिटी पावर है, बड़े हैं, सिपाही है, बर्दाश्त कर लिए। लेकिन ये सरासर गलत है, इसीलिए प्लीज़ एक बार सांप को पहचान लीजिए, जान लीजिए सांप कौन सा है,
बाइट करने के बाद जहर गया कि नहीं गया, उसमें सिम्टम अलग अलग आता है, पेट में दर्द होगा, सीने में, अगर ये सिपाही जो भी देख रहे हैं और ये तीन चार सिम्टम अगर नहीं हुआ होगा, एंटी वेनम पड़ा हुआ, तो आपको लाइफ भर प्रॉब्लम देगा। सबसे पहला पेट में दर्द, सीने में जलन, सीने में जो है जलन के साथ भारीपन लगना और उसके साथ साथ नींद आना, और पेशेंट धीरे धीरे कोमा में चला जाता है। कभी कभी पेशेंट कम अगर वेनम गया है तो कोमा में नहीं जाता। इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ, स्नैक बाइट हो तो कन्फर्म हो जाइए और पूरी तरह कन्फर्म के बाद ही एंटी वेनम लगाइए, क्योंकि ऐसे डॉक्टर के कारण आपका आदमी जो जान जा सकता है, क्योंकि सांप को देखते हुए भी उसके बाद भी एंटी वेनम लगाने कहाँ का सही है। और ये पेपर में क्या बात है, मैं पेपर के हिसाब से बोल रहा हूँ, पेपर में अगर ये दिया है तो ये पूरा सरासर गलत है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा स्नैक बाइट का नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि आपको भरपूर नॉलेज मिलेगा, स्नैक बाइट से आपको कभी परेशान नहीं होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।